नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी सक्सेस प्लस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं सिख धर्म के सातवें गुरु गुरु हर राय जी के जीवन की कहानी और इनके योगदान की, सिख धर्म में जो इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसकी बात करेंगे। और दोस्तों, इनका जीवन भी पिछले गुरु और इनके ग्रैंड फादर जो थे गुरु हरगोविंद सिंह जी, उन्हीं की तरह काफ़ी कठिनाइयों भरा रहा है, काफ़ी संघर्ष इन्होंने देखा है, इनके आंतरिक संघर्ष भी इन्होंने झेले, जो कि पारिवारिक जो चीज़ें चल रही थी, जो कि पारिवारिक एक कलह चल रही थी इनके बड़े भाई के साथ, जो कि खुद गुरु बनना चाहते थे, और दूसरी चीज़ जो मुगलों के साथ इनके रिलेशन रहे हैं वो उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। एक बार रिलेशन ख़राब थे, पहले इनके ग्रैंडफादर के शाहजहां के साथ रिलेशन ख़राब थे, पहले जहांगीर के साथ उनके रिलेशन ठीक हो गए थे, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि इनके जो रिश्ते हैं वो पहले शाहजहां के साथ खटास भरे थे, फिर रिश्ते ठीक हुए जब उनके बड़े बेटे दारा शिकोह का इन्होंने इलाज किया, उसके बाद रिश्ते ठीक हुए। लेकिन उसके बाद शाहजहां के जब बंदी बना के जेल में डाल दिया था औरंगजेब ने, और अपने भाइयों की हत्या करके वो वॉर ऑफ सक्सेशन जीत के खुद मुगल बादशाह बन जाता है, तो उसके बाद औरंगजेब के जो रिश्ते हैं वो आने वाले सभी जो गुरु रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी तक, वो रिश्ते खराब रहे हैं, खटास वाले रहे हैं, और कई सारी लड़ाइयाँ भी इन्होंने गुरुओं ने इनके साथ लड़ी हैं। तो उन सभी चीज़ों की हम बात करेंगे, इनकी टीचिंग्स की बात करेंगे, इनकी आध्यात्मिकता और उन्होंने किस तरीके के राष्ट्रवादी पुरुष ये रहे हैं, इन सभी चीज़ों की हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, सिख धर्म की अगर बात करें तो सिख धर्म में टोटल 11 गुरु हुए हैं, और अगर मैं बात करूं, अब कई बार आप इस चीज़ के कन्फ्यूजन में रहते हैं कि 10 या 11। 10 गुरु तो रहे हैं ह्यूमन फॉर्म के, मतलब मनुष्य के तरीके से 10 गुरु रहे हैं, और 11वें जो गुरु हैं वो हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जो इनकी होली पुस्तक है, होली टेक्स्ट है इनका, जिसमें इन सभी 10 गुरुओं की वाणियों को लिखा गया है। इसको द लिविंग गुरु कहा जाता है, ये 11वें गुरु हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु थे, इन्होंने ये घोषित कर दिया था कि मेरे मृत्यु के बाद कोई गुरु नहीं होगा, और अभी जो आदि ग्रंथ है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, इसी को गुरु मान लिया जाएगा। तो 10 गुरु कौन कौन से हैं? गुरु नानक साहब, जो कि पहले गुरु और फाउंडर रहे हैं सिखिज्म के, उसके बाद दूसरे नंबर पे गुरु अंगद जी, फिर गुरु अमरदास जी, फिर गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, और छठे गुरु हरगोविंद जी। यहाँ तक के जो गुरु हैं उनकी सभी की बायोग्राफी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और अब हम बात करेंगे सातवें गुरु गुरु हर राय जी की, जो कि गुरु गोविंद सिंह गुरु हर गोविंद जी के ग्रैंड सन थे, उनके बड़ पोते थे, उनके पोते थे सॉरी। इनके बाद गुरु हरकिशन जी की बात करेंगे आने वाले वीडियोज में, और फिर गुरु तेग बहादुर जी जो कि हर गोविंद जी के बेटे थे, तो इनका नंबर 9वें नंबर पे आता है। कैसे आएगा उसकी हम बात करेंगे। फिर गुरु गोविंद सिंह जी पोएट और महान योद्धा जो आखिरी गुरु हुए हैं उनकी भी बात करेंगे। तो गुरु हर राय जी के जीवन के बारे में जानते हैं, उससे पहले इनका एक कोट पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा था, लेट नो मैन इन द वर्ल्ड लिव इन डिल्यूजन, विदाउट ए गुरु नन कैन क्रॉस ओवर द अदर शोर। तो बेसिकली ये है कि हर व्यक्ति को एक किनारे तक पहुंचने के लिए, मतलब अपने मकसद और अपने सभी संशयों को दूर करने के लिए एक गुरु की जरूरत होती है, और बिना गुरु के कोई भी उस किनारे तक नहीं पहुंच सकता, और किसी भी व्यक्ति को इस पूरी दुनिया में डिल्यूजन में नहीं रहना चाहिए, और डिल्यूजन से हटने के लिए आपको एक गुरु की जरूरत है, और एक सच्चा गुरु अगर आपको मिल जाता है तो आप अपने आप में एक, मतलब अपने आप को आप मान सकते हैं कि आप लकी हैं और आपको एक अच्छा गुरु मिल गया, और अच्छा गुरु मिलना बहुत जरूरी है। गुरु हर राय जी जो थे वो सिख धर्म के सातवें गुरु थे, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इनको द मैन ऑफ पीस ये व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्ति थे जो कि शांति को बढ़ावा देते थे, और एक ऐसे व्यक्ति थे सिख पंथ जो है, आपको पता है दोस्तों, जब शुरू हुआ था गुरु नानक साहब के समय से, तो ये शांति की बात करता था, पाखंडों को हटाने की बात करता था, पूरी तरीके से एक ऐसा संप्रदाय था जो कि लोगों को जोड़ता था, सभी धर्मों के लोगों को गुरु नानक साहब ने जोड़ा, और चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, सभी लोगों को वो टीचिंग देते थे, सभी लोगों से मिलते थे। गुरु नानक साहब ने इस तरीके के टीचिंग्स और इस तरीके की फिलोसॉफी के साथ सिखिज्म को शुरू किया था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी के समय आते आते सिखिज्म के ऊपर ये जो मुगल हुए थे, इन्होंने कई बार आक्रमण किया और इनको प्रोसिक्यूट किया। गुरु अर्जन देव जी की तो इन्होंने बेरहमी से हत्या कर दी, तो गुरु अर्जन देव जी जो है शहीद हो गए। लेकिन उसके बाद सिखों को इस चीज़ का एहसास हुआ कि सिर्फ शांति से काम चलेगा नहीं, हमें अपना सेल्फ डिफेंस भी आना चाहिए, हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हम जो अपनी विरासत है गुरु नानक साहब की टीचिंग्स को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे, हमारी आस्था और अपने विश्वास को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो गुरु हरगोविंद सिंह जी ने एक तरीके से संत सोल्जर का कॉन्सेप्ट दिया था, मीरी और किरी का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ।
उन्होंने दो तलवारें धारण करी थी, जिसमें एक स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करती थी, स्पिरिचुअल पावर उन्होंने अपने पास रखी थी, और दूसरी कि एक संत सोल्जर के तौर पे उन्होंने रखा था कि हम अपने आप को प्रोटेक्शन करने के टाइम पे हथियार उठाने में भी नहीं चूकेंगे। तो ये बात इन्होंने कही थी। उसके बाद इन्होंने भी गुरु हर राय जी जो सातवें गुरु थे, इन्होंने भी अपने ग्रैंड फादर की जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू किया, और इन्होंने भी सेक्रेट पाथ को संभालते संभालते साथ साथ वॉरियर संत के तौर पे भी अपनी जो टीचिंग्स है उसको कंटिन्यू रखा, और अपनी जो आर्मी है, जो सिख आर्मी है, उसको बना के रखा, लोगों को मोटिवेट किया कि वो मिलिट्री ट्रेनिंग भी लें और अपने धर्म की और अपनी आस्था और अपने विचारों के प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को ट्रेन करें और रेडी रखें। तो इन्होंने 2200 वॉरियर जो हैं तैयार करे थे, और वाहेगुरु का मैसेज इन्होंने एक तरीके से स्प्रेड किया था, और जो गुरुओं की जो टीचिंग्स हैं पहले के गुरुओं की, उनको कंटिन्यू करते हुए उसमें कुछ चीज़ों का इजाफा भी किया था। इनके पिता जो थे भाई गुरदिता, उनकी मुगलों के साथ शाहजहां के साथ लड़ी थी गुरु हरगोविंद सिंह जी के समय पे 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी, उनमें से एक बैटल में इनके पिता बाबा गुरदिता जी की डेथ हो गई थी। बाबा गुरुदिता के 2 बेटे थे, उनमें से हर राय जी जो छोटे बेटे थे, और इनके एक बड़े भाई भी थे, उनकी भी हम बात करेंगे। तो 16 जनवरी 1630 को गुरु हर राय जी का, जो सातवें गुरु हैं उनका, कीरतपुर में जन्म होता है, और गुरु हरगोविंद जी के ये ग्रैंडसन थे और बाबा गुरुदिता के बेटे थे। कम एज में ही इनके अंदर सेंसिटिविटी बहुत थी, बहुत चीज़ों को बहुत सेंसिटिव तरीके से देखते थे, कभी भी एनिमल हंटिंग नहीं करना, जानवरों के प्रति बड़ा प्यार जाहिर करते थे, जानवरों की एक तरफ ही नहीं बल्कि पशु पक्षी फूल पेड़ पौधे सभी चीज़ों के प्रति बड़े सेंसिटिव थे, और ये जो चीज़ थी ये बहुत लोगों को अपील करती थी। इनके जो ये इतनी कम एज में ही ये लोगों को एक तरह से प्रभावित कर देते थे, इंस्पायर होते थे लोग कि लिविंग जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं और ह्यूमनिटी जो है उसको प्रमोट ये करने लग गए थे शुरुआत में ही, अर्ली एज में ही, इसीलिए ये आगे चल के गुरु भी बनते हैं। उसका एक और भी कारण है, उसकी हम बात करेंगे। तो इनके पिता जो हैं वो सिर्फ 8 वर्ष के जब ये थे उन्हीं समय उनकी मृत्यु हो गई बाबा गुरदिता की, वरना वो गुरु बनते। और उसके बाद ये कीरतपुर में ही इन्होंने अपना अर्ली जीवन जो है वो बिताया, डिवोशनल म्यूजिक ये सुनते थे, कीरत करते थे, भजन करते थे, गुरुवाणी को सुनते थे और गुरुओं के लेक्चर सुनते थे। हंटिंग के प्रति मतलब कभी भी एनिमल किसी को भी हार्म ना करना, उसके लिए लोगों को कहते थे हंटिंग के लिए। आगे मैं बताऊंगा कि हंटिंग के लिए निकलते थे लेकिन कभी एनिमल हार्म नहीं करते थे, बस घूमते थे वनों में, घूमना वहाँ पे घूम फिर के आ जाते थे। लेकिन वो कहीं कहीं लिखा होगा कि हंटिंग के लिए निकले, लेकिन हंटिंग का मतलब ये नहीं कि एनिमल को हंट ही किया है, ऐसा इन्होंने किया नहीं। इवन जहाँ से कोई जानवर था उसको अगर मिल जाता कोई बेबस जानवर तो उसको पालते थे और जू में रखते थे। और ये एक अच्छे वैद्य भी थे, बहुत अच्छे वैद्य थे, ये जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके तरी तरीके की मेडिसिन बनाते थे, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां बनाते थे, ये चीज़ें थी। इनके बड़े भाई का नाम था धीरमल। धीरमल का क्या हुआ, बाबा गुरदिता की डेथ के बाद और गुरु हरगोविंद जी जब एज्ड हो गए थे, तब शाहजहां ने एक प्लान बनाया था। उसने सोचा कि कैसे भी अगला जो गुरु है वो मेरे कंट्रोल में हो, इसीलिए मैं गुरु का जो सक्सेशन होगा उसको मैनिपुलेट करूँगा कि आगे चल के ये धीरमल जो है ये मेरा पक्ष का आदमी है और ये मेरी बात भी मान लेगा, तो इसको मैं गुरु बना दूंगा। और धीरमल को पहले ही बातचीत के थ्रू अपने पक्ष में कर लिया था, और धीरमल जो है वो शाहजहां के पक्ष में बातें भी करने लग गया था, जहां पे शाहजहां और बाबा हरगोविंद गुरु हरगोविंद जी के बीच में रिश्ते बहुत ख़राब थे। इसके बावजूद भी धीरमल जो ग्रैंड सन था गुरु छठे गुरु गुरु हरगोविंद जी का, वो उनके खिलाफ ही बोलने लग गया था। तो धीरमल का इस तरीके का एटीट्यूड देख के जब चीज़ें हुई तो यहाँ पे गुरु हरगोविंद जी ने धीरमल को मना कर दिया कि तुम्हें मैं गुरु नहीं बनाऊंगा और मेरा जो छोटा ग्रैंडसन है, छोटा पोता है हर राय, उसको मैं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करूंगा। और उस समय हर राय जी जो है वो सिर्फ 14 वर्ष के थे। गुरु हरगोविंद जी के समय मैंने बताया था कि वो 11 वर्ष की उम्र में ही गुरु बन गए थे, 11 वर्ष की उम्र में। और मैंने वहाँ पे एक बात छोटी सी मिस्टेक बोल दी थी कि वो सबसे कम उम्र के गुरु बने, लेकिन इनके बाद गुरु हर राय जी के बाद इनके जो बेटे बनेंगे वो सबसे कम एज में, वो सिर्फ 5 वर्ष के होंगे जब गुरु बन जाएंगे। कौन है उनका आप कमेंट सेक्शन में नाम बताइएगा। तो हर राय जी जो है वो 14 वर्ष की उम्र में गुरु बन जाते हैं। आखिरी में मैं आपको जवाब भी दूंगा, अभी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इनके बाद गुरु कौन बनते हैं, 8वें गुरु कौन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद गुरु बनने के बाद इन्होंने क्या कुछ किया उसकी बात करते हैं। सिंपल फूड को ग्रहण करते थे, एक साधारण जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार, इस तरीके का जीवन ये जीते थे। कीरतपुर में रहते थे, वहाँ पे अपने फॉलोअर्स को टीचिंग देते थे, ब्लेसिंग देते थे, और
अलग अलग जगहों पे इन्होंने ट्रेवल भी किया है ताकि सिखिज्म की और गुरु नानक साहब की और जितने भी नानक हुए हैं, मतलब गुरु नानक साहब का नाम तो गुरु नानक था लेकिन उनके बाद के जो गुरु अंगद देव जी और जो बाकी गुरु हैं उनको भी नानक कहा जाता है, दूसरा नानक तीसरा नानक, जैसे गुरु कहते हैं फर्स्ट गुरु सेकंड गुरु, वैसे ही फर्स्ट नानक सेकंड नानक ये कहा जाता है। तो नानक साहब की टीचिंग्स को फैलाने के लिए इन्होंने काफ़ी प्रचार प्रसार किया और अपने साथ के जो इनके बड़े संत थे जो सिखिज्म के बड़े दूसरे लोग भी थे उनको भी इन्होंने अलग अलग जगहों पे सिखिज्म को प्रीच करने के लिए भेजा। जैसे भगवान गिर एक बड़े संत थे उनको भेजा इन्होंने ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में भाई पेरू को इन्होंने राजस्थान में भेजा, शास्त्रेय शश को इन्होंने दिल्ली में भेजा। तो इस तरीके के डिसाइपल जो थे इनके बड़े डिसाइपल जो कि इनकी टीचिंग्स को प्रचार प्रसार करते थे उनको भी भेजा अलग अलग जगहों पे, किसी को अफगानिस्तान तक इन्होंने अपने शिष्यों को भेजा है। उसके बाद इन्होंने सिखिज्म के अंदर यूनिटी को मेंटेन करने के लिए इनको काफ़ी चैलेंज को फेस करना पड़ा, क्योंकि जैसे इनके जो बड़े भाई थे वो सिखिज्म का एक अलग ही ग्रुप बनाना चाहते थे, सिखिज्म को मोमेंट को स्प्लिट करना चाहते थे, बांटना चाहते थे, लेकिन उसके खिलाफ भी इन्होंने एक तरीके से प्रॉपर तरीके से सिखिज्म के लोगों को जोड़ा और कहा कि देखिए सिख वो है जो नानक की टीचिंग को फॉलो करता है और नानक के जो उत्तराधिकारी रहे हैं, जो गुरु हैं, जो सही मायनों में गुरु रहे हैं, गुरु अंगद देव जी, फिर अमरदास जी, रामदास जी और अर्जन देव जी, उस पूरी ट्री को जो फॉलो करता रहे वही सच्चा सिख है, वही जो सिख माना जाएगा। बाकी लोग आप जो अगर अलग अलग संप्रदायों को ज्वाइन करके और किसी और के पक्ष में जाते हैं तो आप अपमान कर रहे हैं गुरुओं की जो विरासत है उसका। तो इस तरीके से इन्होंने मेंटेन करके रखा, यूनिटी को मेंटेन करके रखा। कई जगहों पे इन्होंने पब्लिक सिंगिंग और स्क्रिप्चर भक्ति मोमेंट वाला ट्रेडिशन है उसको भी इन्होंने स्टार्ट रखा। कथा स्टाइल रिसाइटल भी इन्होंने एक स्टार्ट किया था। जैसे पहले क्या होता था कि शब्द कीर्तन ट्रेडिशन हुआ करता था, शब्द जो सिखिज्म के लोग हैं वो अच्छे से समझते हैं गुरुओं की वाणी उस शब्द कीर्तन को, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कथा स्टाइल रिसाइटल भी स्टार्ट किया, साथ में अखंड कीर्तन भी स्टार्ट किया जो कि कंटिन्यूअसली चलता रहता है। अखंड मतलब चलता ही रहता है, अखंड कीर्तन और ज्योतियंदा कीर्तन इन्होंने ये स्टार्ट भी किया। कम एज में ही गुरु हर राय जी जो हैं उनको उन्होंने एक चीज़ फेस करी थी, गलती से उनके हाथ से कुछ फूल टूट गए थे गार्डन में, गार्डन का कुछ नुकसान हो गया था और इस इंसिडेंट से ही अपने आप को बहुत हर्ट फील कराते हैं, हर्ट होता है इनको, बहुत दुखी होते हैं और इस तरीके की कहानी ये अपने फॉलोअर्स को भी समझाते हैं कि देखिए मैंने एक बार एक फूल तोड़ दिया था, मुझे उस चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ कि मैं उस फूल का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैंने उस फूल को तोड़ दिया, निर्दोष फूल का मैंने अपमान कर दिया। तो इस तरीके की बातें करते थे। मेडिसिनल हर्ब गार्डन इन्होंने बनाया था जिसका नाम था नौलखा बाग, ये नौलखा बाग आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें इन्होंने बनाई पंजाब क्षेत्र में, भारत और पाकिस्तान का पंजाब जो है आज भी आप जानते हैं वहाँ पे इन्होंने काफ़ी चीज़ें करी। एक इनकी बहुत ही पॉपुलर कहानी है, इस कहानी की हम बात करते हैं अभी। देखिए एक बार इनके जो फॉलोअर्स थे सिक्स थे उन्होंने पूछा इनसे कि गुरु एक बात आपसे हमें पूछनी है कि हम जो गुरुवाणी भजन कीर्तन जो करते हैं, भजन करते हैं उन हाइम्स का जब हम रिसाइटमेंट करते हैं, भजनों को गाते हैं और हमें उनका अगर पूरी तरीके से सच्चा मायने उसके अर्थ नहीं पता तो हमें इसका कोई फायदा होगा भी या नहीं होगा, क्या वो व्यर्थ है अगर हम किसी चीज़ का अर्थ ही नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ उस भजन को गा रहे हैं और उसका कोई मायना हमें नहीं पता है तो क्या इसका हमें फ़ायदा होगा। तो गुरुदेव ने उस समय तो गुरु जी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले मॉर्निंग जब वो अपनी हंटिंग के लिए निकल रहे थे, हंटिंग फिर मैं आपको बता रहा हूँ हंटिंग में किसी जानवर का वो शिकार नहीं करते थे, तो उस समय वो घूमने के लिए वन में निकले तो उनको एक टूटा हुआ मटका मिला और उस मटके में बटर था, मक्खन था बेसिकली, और वो मटका टूटा हुआ था और उसमें सूरज की किरणें सीधी पड़ रही थी, तो जहाँ सूरज की किरणें पड़ रही थी वहाँ से वो पॉट जो है, वो जो मटका है वहाँ से वो जो बटर है वो पिघल गया और लेकिन वहाँ पे उसमें चिकनाई तो थी, चिपका तो हुआ था, कितना भी पिघला दे सूरज की किरणें कितना भी हो लेकिन चिकनाई जरूर रहेगी। तो इन्होंने यहाँ से इस एग्जाम्पल का और इस ये जो पोर्ट है उसी को एग्जाम्पल के तौर पे पेश करके अपने साथियों को और अपने फॉलोअर्स को कहा कि देखिए मेरे सिख भाइयों, ब्रोकन जो ये पोर्ट है इसमें सूरज की किरणें हैं पड़ रही हैं, ये कितना भी हीट कर रहा है लेकिन ये जो इसके अंदर चिकनाई है वो नहीं खत्म हो रही। उसी तरीके से गुरुओं की जो आप वाणी का गान करते हैं और जो हाइम्स को गाते हैं उसमें आप कितना भी आपको अर्थ पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पता है तो भी उसमें गुरु की वाणियां हैं और वो गुरु की जो वाणी है वो आपको पीस देगी, आपको शांति की अनुभूति देगी
और आप भले ही उसको पूरी तरीके से समझते नहीं हो, लेकिन आपको उस हाइम्स को कंटिन्यूसली रिसाइट करना है, राम का, जैसे सॉरी राम का नहीं, इनका वाहेगुरु जो कहते हैं, वाहेगुरु का नाम जपना है कंटिन्यूसली, ईश्वर का नाम जपना है आपको। और एक बात कही इन्होंने, द वर्ल्ड इज गुरु, वर्ल्ड इज द गुरु एंड द गुरु इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज द एसेंशियल एम्ब्रोसिया। तो बेसिकली ये है कि जो इस गुरु हैं वो शब्दों में हैं, और शब्द आप, शब्द ही जो हैं वही गुरु हैं। इसीलिए अगर आप इन शब्दों का उच्चारण करोगे, इनको रिसाइट करोगे, इनको कंटिन्यूसली नाम जपोगे, तो आपको बेसिकली पक्का शांति की अनुभूति होगी, और आपको एक अंदर से खुशी मिलेगी, अंदर से आपको वो मिलेगा जो पीस जो आपको चाहिए वो मिलेगा। अब मुगलों के साथ रिलेशंस की बात करते हैं, तो ये उतार चढ़ाव वाले रहे। मुगल बादशाह अकबर तक जो रिश्ते थे मुगलों के और सिख गुरुओं के, वो बहुत अच्छे थे, बढ़िया थे रिश्ते गुरु अमरदास रामदास जी तक। लेकिन फिर गुरु अर्जन देव जी के समय पे यहाँ पे मुगल बादशाहत बदल गई, और अकबर के बाद उनका बेटा यानी जहांगीर सत्ता में आता है। सत्ता में आने के बाद जहांगीर के समय पे अर्जन देव जी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, रिश्ते खराब हो गए। रिश्ते खराब होने के बाद जहांगीर के साथ भी अंतिम समय पे रिश्ते ठीक हो गए थे, उनके अर्जन देव जी के बेटे हरगोविंद जी के रिश्ते ठीक हो गए थे, हरगोविंद जी गुरु जो छठे गुरु थे। लेकिन फिर हरगोविंद जी के बाद के जीते जी ही अगले बादशाह बनते हैं शाहजहां। शाहजहां के समय रिश्ते फिर से खराब हो गए, और 4-5 बार लड़ाइयां लड़ी हैं शाहजहां की आर्मी और यहाँ पे हरगोविंद सिंह जी की आर्मी ने। ये चीजें थी। अब आगे क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो शाहजहां के 4 बेटे थे, सबसे बड़ा बेटा दारा शिको, उसके बाद शाह शुजा जिसको शाह मोहम्मद भी कहा जाता है, शाह शुजा नाम था इसका, औरंगजेब और मुराद बख्श, ये 4 बेटे थे। और चारों बेटों में इस चीज को लेकर झगड़ा था कि अगला बादशाह कौन होगा। इसके लिए एक वॉर भी होता है, वॉर ऑफ सक्सेशन इसको कहते हैं, उत्तराधिकार युद्ध जिसको कहा जाता है। शाहजहां चाहता था कि उसका सबसे बड़ा बेटा दारा शिको है जो वो आगे चल के बादशाह बने, और दारा शिको सबसे बढ़िया अपरेंट हेयर था, सबसे अच्छा लड़का था इनका, इसको इसने ये सभी इसको चीज़ों का अध्ययन किया था इसने, और माना जाता है कि ये अगर बादशाह बनता तो ये बादशाह अकबर से भी अच्छा बादशाह बनता, क्योंकि ये सभी धर्मों के प्रति टॉलरेंट था, सब लोग इसको पसंद करते थे। इसने हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सभी धर्मों के टेक्स्टों का अध्ययन किया था, इवन बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट का तो इसने अनुवाद भी किया था पारसी भाषा में, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो महाभारत रामायण हो, गीता हो, इनका अध्ययन इसने किया था। तो ये एक योग्य व्यक्ति था, लेकिन ये राजा नहीं बन पाया, बादशाह नहीं बन पाया। बादशाह तो आपको सभी पता है सभी को कि औरंगजेब बनता है, और औरंगजेब बहुत ज़्यादा कट्टर था, बहुत ज़्यादा इनटॉलरेंट था दूसरे धर्मों के प्रति। भले ही एक सक्षम कूटनीतिज्ञ था और बहुत ही तगड़ा पॉलिटिशियन था, चीज़ों को इसको मैनेज करना आता था, और योद्धा भी था बड़ा, लेकिन ये एक व्यक्ति के आधार पर लोग इसको पसंद नहीं करते थे, स्पेशली दूसरे रिलीजन के लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये दूसरे धर्मों के प्रति टॉलरेंट नहीं था, कट्टर था। तो ये क्लेवर था, कनिंग था, अम्बिशियस भी बहुत था, और ये सक्सेशन चाहता था, थ्रोन पे बैठना चाहता था, और इसने अपने पिता को भी जेल में डाल दिया था अंतिम समय पे। तो और औरंगजेब ने, शाहजहां ने अपने आखिरी के 8 साल तो जेल में बिताए। तो औरंगजेब ने का जो और इनके बीच का जो युद्ध हुआ था, उसका मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, वॉर ऑफ सक्सेशन ऑफ शाहजहां, मैंने उसका वीडियो आप जाके देख सकते हैं, और दारा शिको की बायोग्राफी भी कवर कर रखी है। तो औरंगजेब ने क्या किया, एक बार क्या है कि एक जो टाइगर है उसकी जो मूछें होती हैं वो बहुत सख्त होती हैं, वो एकदम एक नुकीली कील की जैसे आपको लगेंगी, जैसे सुई खा लिया आपने अगर उसको खा लिया जाए, तो उस जो इतनी तीखी मूछें हैं उसको अपने बड़े भाई दारा शिको के खाने में उसको मिला दिया, और दारा शिको ने जब उसको खा लिया, इनटेक कर लिया, तो वो बहुत ज़्यादा सीवियरली बीमार पड़ गया। दारा शिको बीमार पड़ने के बाद उसके पिता शाहजहां ने बहुत जगहों पर एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया, पीर फकीरों को बुलाया, और बहुत सारे साधु संतों को बुला के, वैद्यों को बुला के कहा कि चलिए इसका इलाज कीजिए, लेकिन किसी के पास कोई इलाज नहीं था। अंतिम कुछ लोगों ने ये डिसाइड, पता चला कि ये जो टाइगर का जो अंदर मूछ है इनके फंस गई है, बाल है, इसको अगर बाहर नहीं निकाला जाए तो रिकवरी नहीं हो सकती, और रिकवरी के लिए इनको 2 मेडिसिन चाहिए थी, 2 जड़ी बूटियाँ चाहिए थी, जिसका ये नाम था चेलबुलिक, मायरोबेलान और क्लोवेग। इसको एक माशा इस्तेमाल करके क्वान्टिटी में इसको इस्तेमाल करना था जिससे ये ठीक हो सके, लेकिन ये जड़ी बूटियाँ बहुत रेयर थी, ये मिलती नहीं थी, और मिलने नहीं के कारण से शाहजहां बहुत परेशान हो गया था, और शाहजहां ढूंढ रहा था इसको जगह जगहों पे कि कहाँ पे मिले। अंत में ये पता चला इसके प्राइम मिनिस्टर को कि
ये जड़ी बूटी सिर्फ मिल सकती है गुरु हर राय जी के पास। वो एक बहुत माने हुए वैद्य हैं और इनको इस चीज में मेडिसिन में महारत हासिल है, तो उन्हीं के पास ये मिल सकती है। लेकिन गुरुओं के साथ मुगलों के रिश्ते खराब थे, इसी शाहजहां ने रिश्तों को तो और खराब किया था, हॉस्टाइल थे रिलेशन। रिलेशन खराब होने के बावजूद भी एम्परर अपने बेटे की जान बचाने के लिए क्या नहीं करता। उसने गुरु को चिट्ठी लिखी और कहा कि गुरु मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे अपने बेटे की जान बचाने के लिए आपकी हेल्प चाहिए और मुझे ये जड़ी बूटियां चाहिए। तो गुरु थे, वो तो सबके लिए, उनके मन में प्रेम भाव था, वो किसी के प्रति नफरत नहीं रखते थे। बस सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने मुगलों से खिलाफ जंग छेड़ी थी, उन्होंने कभी भी मुगलों के ऊपर अटैक तो किया नहीं था। तो गुरु खुश हुए और गुरु ने तो सोचा कि चलो हमारे रिश्ते बेटर ही होंगे कल को। हम चाहते हैं कि एक मुगलिया हुकूमत, जो इतनी बड़ी हुकूमत है, उसके साथ हम रिश्ते खराब भी नहीं करना चाहते, ठीक ही है। तो उन्होंने वो रिक्वायर्ड मेडिसिन दे दी। तो गुरु हर राय से कई लोगों ने पूछा कि गुरु हमारे दुश्मन को आपने ये मेडिसिन क्यों दी। तो गुरु ने क्या कहा, देखिए क्या कमाल की बात कही। बिहोल्ड विद वन हैंड मैन ब्रेक फ्लावर्स एंड वन हैंड ऑफर्स देम, बट द फ्लावर्स परफ्यूम बोथ हैंड्स। एक आदमी जो अपने एक हाथ से फूल तोड़ता है और दूसरे हाथ से उस फूल को किसी को भेंट देता है, लेकिन हाथों को वो जो फूल है वो दोनों हाथों को बराबरी से सुगंधित करता है। वो फूल कभी भेदभाव नहीं करता कि जिसने उसको तोड़ा, जिसने उसके ऊपर तोड़ के उसको हर्ट किया, उसको भी वो सुगंधित ही करता है, और वो जिसको प्यार से देता है उसको भी सुगंधित ही करता है। एक कुल्हाड़ी जो कि एक सैंडल ट्री को तोड़ती है, एक काटती है बेसिकली, अब सैंडल ट्री को क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गया इसका, सुगंधित वाला जो पेड़ होता है सबसे ज्यादा, जिसमें सुगंधित होती है, जो बहुत काम का भी होता है, बहुत महंगा भी होता है, पुष्पा वाली जो मूवी है उसमें क्या नाम है यार, तुम्हें याद होगा। तो वो वाला जो पेड़ है उसको काटोगे आप तो वो सुगंधित, उस कुल्हाड़ी, वो जो उसकी शत्रु है जो उस पेड़ को काट रही है, और वो काटने के बावजूद भी उस कुल्हाड़ी को सुगंधित ही करता है। तो इसीलिए कोई भी हो, एविल हो, दुश्मन हो या मित्र हो, कोई भी हो, गुरु का काम यह है कि वो सबके प्रति अच्छा व्यवहार करें और सबको अच्छाई डोनेट करें, सब ये ही काम है। तो इस तरीके का इन्होंने बात वाक्या कहा। उसके बाद शाहजहां के साथ इनके रिश्ते जो है वो काफी इंप्रूव हो गए। शाहजहां ने ये वादा किया कि वो आने वाले समय में गुरुओं के खिलाफ किसी तरीके का बुरा बर्ताव नहीं करेगा और अच्छे रिश्ते रखेगा। लेकिन शाहजहां ने अपने बेटे दारा शिकोह को अपना सक्सेसर अपॉइंट कर दिया था और कह दिया था कि मेरे बाद तो ये बादशाह होगा। और इसके बाद कलेश शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई मुगलों के प्रिंसेस में, जो प्रिंस थे, जो इनके शाहजहां के बेटे थे, उनमें आपस में लड़ाई चल रही थी। लड़ाई में दारा शिकोह जीत नहीं पाते हैं, लेकिन दारा शिकोह एक अप्रोप्रिएट, एक सक्षम सक्सेसर होते हैं, वो सही मायनों में उनको सक्सेसर होना चाहिए था। और ये बात गुरु भी जानते हैं, तो गुरु ने इस वॉर ऑफ सक्सेशन में, इस उत्तराधिकार के युद्ध में दारा शिकोह को एक तरह से सपोर्ट दिया। कोई आर्मी नहीं भेजी थी, लेकिन मन से दारा शिकोह को उन्होंने सपोर्ट किया था। और ये बात औरंगजेब भी जानता था, और औरंगजेब ने जब इस लड़ाई में जीत हासिल करी और 1658 में वो राजा बन गया था, 1658-59 में उसने अपना पूरा कोरोनेशन कर लिया था और अपने पिता को उसने जेल में डाल दिया था, तो उसके बाद औरंगजेब ने हर उस आदमी को पनिश किया जो कि उसके खिलाफ था, चाहे वो मुगलिया दरबार में हो, चाहे वो बाहरी कोई रियासत हो, या कोई भी हो। तो औरंगजेब ने गुरु हर राय जी को भी समन भेजा और कहा कि आप अपना कारण बताइए कि आपने मेरे बड़े भाई दारा शिकोह को क्यों सपोर्ट किया उत्तराधिकार युद्ध में। गुरु हर राय जी ने अपने बड़े बेटे सन बाबा राम जी को, बाबा राम राय जी को भेजा अपनी तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए। औरंगजेब ने राम राय जी के साथ बातें करी और बातों ही बातों में औरंगजेब, जो कि एक कट्टर मुस्लिम था, जो कि कट्टर सुन्नी मुस्लिम था, वो दूसरे धर्मों का अनादर करता था और दूसरे धर्मों के, उसको जानने की इच्छा भी होती थी कि दूसरे धर्म में इस्लाम के बारे में क्या लिखा। तो एक वर्ष को, एक जो टीचिंग जो एक उसमें लिखा हुआ था, उस वाक्या को उसने मैनिपुलेट करके कहा, सिख होली पुस्तक में लिखा हुआ था उसको, कि भाई ये जो वाक्या है ये तो मुस्लिम्स के खिलाफ है, ये तो बायस्ड है। तो उसका वो कारण नहीं बता पाए, बाबा राम राय जो है वो उसका कारण नहीं बता पाए, डिफाइन नहीं कर पाए, और अपनी जो आस्था है उसको डिफेंड नहीं कर पाए। और इसके खिलाफ मतलब खिलाफ बोलने की बजाय उन्होंने औरंगजेब को खुश करने के लिए क्या कर दिया, उसी वाक्या को ही एक तरह से क्रिटिसाइज कर दिया, वाक्या को क्रिटिसाइज कर दिया। और ये बात जब गुरु हर राय जी को पता चली
तो इससे वो बहुत गुस्सा हो गए और वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए अपने बड़े बेटे बाबा राम राय से। बाबा राम राय को उन्होंने सिख पंथ से भी निष्कासित कर दिया और कहा कि मैं तुम्हारी कभी शक्ल नहीं देखना चाहता। हमारे पूर्वजों ने, गुरु अर्जन देव जी जैसे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, अपना अपना बलि दे दी, अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, अपने जीवन का बलिदान दे दिया, लेकिन तुम एक बात को डिफेंड नहीं कर पाए और तुमने बाबा नानक की जो टीचिंग्स हैं उनके ऊपर समझौता कर लिया। ये बातें कह के गुरु साहब ने क्या किया, अपने बेटे को यहाँ से निष्कासित कर दिया। और उसके बाद इन्होंने इनको अपने गुरु के पद पे भी नहीं बैठाया। उन्होंने कहा था कि राम राय जो है वो मेरे जेन्युइन क्लेमेंट होते थ्रोन के, लेकिन उन्होंने अपमान किया है गुरुशिप का और गुरु ग्रंथ साहिब का, इसीलिए राम राय जो हैं वो कभी मेरे सामने नहीं आ सकते और कभी भी मेरे सक्सेसर नहीं बन सकते, इसीलिए उनके छोटे बेटे जो हैं उनको यहाँ पे गुरु बनाया गया। हरकिशन जी, जिनका मैं आपको बता भी चुका हूँ, शुरू में मैंने आपसे सवाल भी पूछा था कि कौन बने अगले गुरु, तो सबसे कम एज में गुरु हरकिशन जी जो हैं उनको गुरु बनाया गया। और साथ ही साथ इन्होंने स्ट्रिक्ट रूल भी स्टैब्लिश किए कि कोई भी सिख जो है वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए गुरु वाणी के साथ समझौता नहीं करेगा और कोई भी गुरु नानक साहब की टीचिंग्स को मतलब तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करेगा कभी भी। और उसके बाद 5 वर्ष की उम्र में अपने बेटे गुरु हरकृष्ण जी को उन्होंने गुरु बना दिया और वो अक्टूबर 6, 1661 को स्वर्ग सिधार गए। ये इनका जीवन रहा है दोस्तों। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, जहाँ पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। साथ ही आप यहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं चैट सेक्शन में। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो भी आप परचेज कर सकते हैं बहुत ही अप्रोप्रिएट प्राइस में। साथ ही इन वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको इनकी पीडीएफ मिलेंगी, इनसे रिलेटेड आपको जो टेस्ट सीरीज हैं वो भी मिलेंगी, ताकि आप अपना आकलन कर पाएं, अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी ढंग से कर पाएं। तो यही था हमारे वीडियो का अंत, और वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, और वीडियो को देखने के लिए और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।